बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए हैं और दुरूद और सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अच्छा दोस्तों, तो भाई आज हमारी एक खुशकिस्मत ये कि भाई आज हमारे मेहमान सोहेल भाई है, सोहेल अंसारी साहब है। हमें यार बहुत खुशी हो रही है कि हमारे घर पर आए सोहेल अंसारी साहब, और इनसे हम लोग ना बातचीत करेंगे, बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। वीडियो पूरी देखना, और इनसे हम लोग आज बस आज बहुत सारी बातें करेंगे और इनसे सवाल करेंगे, बहुत सारे सवाल करेंगे। तो जब आप ये बातें सुनेंगे तो आपको भी बहुत इंशाल्लाह ताला बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए आइए यार, हम लोग ना सोहेल भाई के पास चलते हैं और सोहेल भाई से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सोहेल भाई। सलाम, कैसे नासिर भाई? बस ठीक है? अल्लाह का जी शुक्र है सोहेल भाई, बहुत खुशी हुई यार आप आज हमारे घर पर आए हो। और शुक्रिया ये जी, मेरी जगह दिखाओ दोस्तों, ये मेरा कमरा दिखाओ दोस्तों, ताकि पक्का यकीन हो जाए कि सोहेल भाई हमारे घर पर आए हैं। देखे दोस्तों, तो भाई अब मेरे ख्याल से आपको पक्का यकीन हो गया होगा कि सोहेल भाई आज है ना हमारे साथ है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल भाई। काफी बैठे मोहब्बत है आपकी मेरे साथ। बैठे, जी तो सोहेल भाई ये माशाल्लाह से अपने बच्चे हैं ये, जी मेरा बेटा है बड़ा, इसका क्या नाम है सोहेल भाई? अब्दुल्ला अच्छा अब्दुल्ला नाम है। अब्दुल्ला है कितने साल का ये, हुआ ये? तकरीबन 8 साल का है 8 साल का, माशाल्लाह जी। माशाल्लाह। ये इब्राहिम अच्छा है, इब्राहिम, वाह भाई वाह, ये तकरीबन 7 साल का है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और तो पढ़ते हैं? आप पढ़ते हैं भी, छुट्टियों पर हैं अच्छा छुट्टी है ना जी? आजकल, 2 महीने की छुट्टियों छुट्टी हुई जी है। जी जी पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस यार सोहेल भाई यार बहुत खुशी हुई यार, बहुत थैंक खुशी यू हुई। थैंक और यू। हमारे इस इलाके में भी यार आपके बहुत सारे चाहने वाले हैं, अच्छा लेकिन यार वो बस आप बस हम लोगों को देर हो गई। तकरीबन है ना दोस्तों, इस वक्त 12 बज रहे हैं और सोहेल भाई को हम लोगों ने रोक के रखा हुआ है, देखो जाने नहीं दे रहे। लेकिन इनकी बड़ी मोहब्बत है कि यार यहाँ पर मेरे साथ है, और बस हमारे बहुत सारे दोस्त भी मिलने चाहते थे लेकिन यार मिल नहीं सके, वो बस वो सो गए या कहीं चले गए, बिल्कुल आज बिल्कुल हफ्ते का दिन है ना। तो सोहेल भाई आप ये बताइए सोहेल भाई कि अब क्या काम का क्या सूरत हाल है, क्या डिमांड हो रही है काम की? काम की डिमांड ये है कि ऑर्डर पूरा नहीं हो पा रहे हैं, अच्छा जो हम बनाते माशाल्लाह, हैं वो सेल हो जाता है, अच्छा। और जो वैसे हम बनाने वाले हैं वो भी समझ लें कि बिका हुआ हमारा सेल हुआ हुआ है अच्छा तो सर हम लोगों ने एक वीडियो बनाई थी तकरीबन आज से 1-1.5 महीने पहले, उससे जी। कोई रिजल्ट आया आपको? रिजल्ट काफी अच्छा आया है हमारे पास। अच्छा तकरीबन पाकिस्तान की काफी जगहों से फोन आए मेरे पास, अच्छा अच्छा इस्लामाबाद से, सरगोधा से, अच्छा लाहौर अच्छा से, गुजरांवाला अच्छा और अच्छा गुजरात और कराची से भी काफी लोगों के फोन आया। अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया से काफी, कोई आया? इंडिया से नहीं आया अभी तक। चलो आएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला, अल्लाह इंशाल्लाह दुआ करता है कि इंडिया से भी आएगा जी, इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। बस यार हमारी कोशिश है कि यार सोहेल भाई जी। ये आपको बस उठाएं, आपको बस दिखाएं, पूरे थैंक यू पाकिस्तान पूरी दुनिया में दिखाएं कि यार हमारे थैंक पास यू भी थैंक ऐसे कारीगर हैं इंडिया जैसे। थैंक यू तो थैंक यू। बस यार सोहेल भाई अच्छा आप सोहेल भाई ये बताइए कि अभी क्या मौसम चल रहा है यार, कौन सी डोर का मौसम चल रहा है इस वक्त? अभी तो हवाएं तेज हैं, तो 9 तार से ऊपर भी उड़ सकती है, अच्छा 9 तार से ऊपर भी उड़ा सकते हैं अगर बड़ी पतंग है तो, अच्छा और अगर आप पौने के लगभग है तो उसमें 444 बेहतरीन काम चार करती सौ है। चवालीस यार बेहतरीन चलती है बेहतरीन आपकी, चीज यार है, बहुत बेहतरीन बेहतरीन चलती है आपकी। जी जी यार सोहेल भाई की जो 444 डोर है ना यार दोस्तों, उन्होंने हिला दिया है पूरे कराची वालों को। जी बहुत बेहतरीन चीज है हाँ बिल्कुल यार बिल्कुल। जी। तो बस ये है, 444 आइडियल डोर है, मुनासिब अच्छा रेट में है जो मुनासिब है अच्छी यार, चीज़ है। अच्छा। तो यार सोहेल भाई अभी ये बताइए कि यार अब जो आप जो मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं ये गर्मियों का अलग होता है, सर्दियों का अलग होता है, या वही एक ही चलाते हैं आप? मटेरियल एक ही होता है, बस हाँ मटेरियल में थोड़ा सा रद्द बदल करना पड़ता है। अच्छा मिसाल के तौर पे अगर जैसे ये मौसम है, ये नमी वाला मौसम जी है, जी जी तो इसमें थोड़ी सी डोर की धार थोड़ी बढ़ानी पड़ती है, अच्छा तेज रखनी पड़ती है। अच्छा अच्छा जो सर्दियों का मौसम आता है, ठंडा मौसम आता है, तो उसमें खुश्क मौसम आता है, तो उसमें धार में चिकनी रखनी पड़ती है, थोड़ी कम, चिकनी तो रखनी पड़ती है, जल्दी काट देती है। अच्छा। तो यार सुनो यार, कुछ हमारे बहुत सारे है ना दोस्त है सब्सक्राइबर है, वो हमसे कुछ ट्रिकें पूछते हैं, कोई ऐसी ट्रिक बताओ जो यार बोले क्या वाकई यार सोहेल भाई ने चीज़ बताई ट्रिक, लड़ाने के लिए आज सिर्फ लड़ाने के लिए बनाना आज, पड़ता है लड़ाने जी के लिए आज। जी जी तो दोस्तों भाई अभी है ना हम लोगों ने अपने एक दोस्त है ना वलीद जी वलीद भाई जी है, वलीद दोस्त जी हमारे जी हैं जी जी और काइट फाइटर है, उनको जी मैंने बिल्कुल बगैर जी बताया जी बस जी फ़ोन मिलाया, मेरा दोस्त हवाले कर दिया, उनको पता नहीं है अब पता नहीं क्या बातें हो रही है है उनसे, हाँ। मुझे कुछ मालूम नहीं है, सोहेल भाई लगे हुए बस वो भी यार लगे हुए, कल कल अब सुबह पता चल पता जाएगा चलेगा कि कि वलीद क्या दोस्त बात कर हुई रहे है। हैं, अच्छा कल देखेगा इंशाल्लाह। हाँ लगता है वलीद भाई ने भी ठीक है ठीक पहचान है, लिया है, फोन फोन हालांकि पर आता रखेगा पहचान इंशाल्लाह, लिया मिल लेकिन जाएंगी मेरे मिल ख्याल जाएंगी मिल से जाएंगी मिल जाएंगी जी सोहेल भाई ने अपना नाम नहीं बताया लेकिन वलीद भाई ने जी पहचान लिया ओके सोहेल भाई ओके, को। शुक्रिया हाँ शुक्रिया। तो जान पहचान वाले हैं, जमाने से आना जाना है हाँ हो गई, चलो बात हो गई। तो यार पहचान लिया था क्या इन्होंने? पहचान हाँ, क्यों नहीं पहचानेंगे लिया था, अच्छा। क्यों नहीं पहचानेंगे, हाँ यार हैरान होगा कि यार नासिर वो भाई हैरान शौक पे होंगे कि सोहेल भाई के पास और उस के टाइम, कैसे। अच्छा वरना मैं जाता नहीं उस टाइम किसी के सही पास बात तो। है यार। तो यार अब
बहुत मजा आया, बहुत खुशी हो रही है क्या यार। पूछ रहे थे? ट्रिक का हाँ कि ट्रिक का पूछ रहा था मैं, कुछ किस तरह का, मतलब लड़ाने में, लड़ाने में कोई मतलब ऐसी चीज बता दो कि हमारे हमारे जो अपने जो सब्सक्राइबर है यार, वो बोले कि यार बता के कैसे होता है असल कुछ। में मुख्तलिफ पाकिस्तान में और जगहों पे मुख्तलिफ तरीके हैं लड़ाने के। पंजाब अच्छा में ढील से लड़ाते हैं, अच्छा हमारे कराची में खेस से लड़ाते हैं, जी, तो उनकी गेम अलग है, हमारी गेम अलग है। हाँ और जो बिल्कुल हमारी बिल्कुल गेम है मैं उसका ट्रिक आपको बता सकता हूँ, बिल्कुल, बता दें एक और दो। उनकी जो ट्रिक है वो तो मुझे इतना उसका आइडिया नहीं है, क्योंकि वो तुक्कल उड़ाते हैं, सही उसके सही दांव पेच अलग होते अलग हैं। होते, सही बात है। तो बस ये है, लेकिन काइट फाइटिंग के अंदर आपने जो कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, वो चीज़ ये है कि पतंग का कम बढ़ती का ख्याल रखें। मिसाल के तौर पे कम बढ़ती, यानी कि अगर अच्छा आप नीचे से लड़ा रहे हैं, आप नीचे से अच्छा जा रहे हैं, बिल्कुल आपकी पतंग नीचे है, आप जिनसे लड़ा रहे हैं वो ऊपर हैं, ऊपर तो है, आप कोशिश करें पतंग अपनी कम रखें, काम रखे हैं। अच्छा और उसके कम अगर रखेंगे तो जो वार भी आप करेंगे कामयाब होगा। अच्छा और अगर आप ऊपर से हैं ऊपर से है, और जिनसे आप लड़ा रहे हैं वो नीचे से हैं, तो अगर हाँ आप पार दर रखेंगे तो हाँ उसमें फिर आपके काटने के चांस ज़्यादा होंगे। चांस ज्यादा हो कम बढ़ती जाएगा। का भी ख्याल रखना है कम आपको, बढ़ती का ख्याल है, ये रखना है कि हम लोगों को नीचे से लगाना है तो कम ही कम ही रखना है, रखनी है, ऊपर से आपने पार रखनी है, बाहर रखनी है, उसमें जो भी आप करेंगे कामयाब होगा। काम हो जाएगा। अच्छा, ऐसा होता है। जी सही यार, ये तो बहुत अच्छी दोस्तों यार सोहेल भाई ने ट्रिक बताई है। और इंशाल्लाह ताला ना हम लोग कोई भी मुकाबला करने चाहेंगे तो इस ये ट्रिक लाजमी इस्तेमाल करेंगे, और आपको बता के करेंगे कि यार सोहेल भाई की ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। तो यार मैं अब अपना सोहेल भाई आपको कागज उस्ताद वगैरह की पतंगे दिखाऊँ कुछ? जी मुझे दिखाएं, मैंने तो दिखाओ एक से बढ़कर एक पतंग ही देखी है चले दिखाते हैं। और इनकी पतंग में ये क्वालिटी थी उस्ताद की हाँ कि हल्की हवा में उड़ाएं, तेज हवा में उड़ाएं, अपनी जगह से हिलेगी नहीं, हिलेगी नहीं यार, सीधी खड़ी तो सीधी खड़ी लेके जाए कितनी भी तेज हवा। यार बिल्कुल फन है यार। देखो देखो दोस्तों, ये कादर उस्ताद की पतंग है, और ये देखें बिल्कुल यार, ये आपके भाई जोहेब भाई के पास भी माल पड़ा हो मेरे बहुत ख्याल था, से, बहुत था, सारा बेच दिया। ये बच्चों ने सब फाड़ फूड़ के नहीं रखी है। हाँ यार सब नुकसान कर दिया उसको ये तो। देखें यार दोस्तों, इसको जरा करीब से देखें और इसको जरा पहचाने कैसी बनी हुई है। आप क्या बोलते हैं यार जोहेब भाई, देखें इसको। और मैं आपको एक बात बताऊं, जी मैं ऐसी ये बात बता रहा हूँ यार, किसी को पता नहीं ये बात, मैं हाँ जब उस्ताद के पास जाता था उनसे हाँ मेरी बात होती थी, जी, तो ये कहते थे पतंग के हवाले से कि यार अभी पतंगे तैयार नहीं है वगैरह वगैरह। खालिद भाई को वो हर हफ्ते पतंगे देते थे, अच्छा और जबान का ऐसा पक्का आदमी था, उसने अगर आपसे कह दिया ना कि मैं आपको पतंगे दूंगा तो आंधी हो तूफान हो, अच्छा इस पतंग की अगर 50 रुपये की बिक रही है, आप उनके हाँ पास जाएंगे उस्ताद ये 100 रुपये के हिसाब से मुझे सारी पतंगे दे दो, जी वो गाली बकर कहेंगे भागो यहाँ से, ऐसे हाँ सख्त उसकी आदमी। तो मैंने उनसे पूचा, मेरी बात भी, मैंने कहा उस्ताद पतंगे रेडी कर लेंगे, मैं भी काम हाँ छील के मैंने छत पे रखी है सुखाने के लिए, अच्छा ये जितने भी पतंगबाज हैं सब सेकते हैं हाँ बिल्कुल सेकते हैं, लेकिन वो छत पे सुखा देते थे, काम कर दे, सही बताओ यार। और मजाने जो पतंग इधर से उधर हो जाए देखो यार उनके पास फन था है। फन था यार वाकई। ये देखिए कुछ है ना, ये अपने जहीर भाई की, जहीर उस्ताद की पतंग है जी 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 ये वाली है, हाँ ये जय भाई की और है, ये वाली है, और ये मैंने बड़े शौक से जहीर भाई से ली थी यार ये बहुत वाली। अच्छी पतंग है, हालांकि अद्धी है लेकिन बड़े कमाल की है बहुत यार अच्छी पतंग है, ये वाली। वीडियो भी देखिए आप भी हाँ अमूमन दिखा दें जिक्र करते हैं, हाँ बहुत अच्छी पतंग है, जहीर भाई भी साधु में से हैं। बिल्कुल यार, और मैंने सही भाई की वीडियो बनाई थी, और यार मुझे बहुत खुशी है कि सही भाई ने जो वीडियो दिया, अपना इंटरव्यू दिया ना, जी जी अपना यार सारा फन खोल दिया, नहीं तो कोई नहीं खोलता ऐसा, पूरा फन खोल दिया आप किसी भी सच्चे इंसान का आप यार इंटरव्यू लेंगे ना, वो आपको सच्ची और सीधी सीधी बात बताएगा, सही बात है यार इसमें छुपाना कैसा है यार, आप मैं अगर बता देंगे तो लोगों को क्या, मुझे मेरे पास से क्या चला जाएगा, लोगों के बिल्कुल पास से यार क्या आ जाएगा। बिल्कुल। ये देखें, जी 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 ये भी हमने जही भाई की याद की सारी, और ये मेरे ख्याल से ये उस वक्त की पतंग है जो जही भाई ने वीडियो बनाने गया था, मैं अच्छा वही हाँ पतंग ये मुझे बिल्कुल दे ही थी वही जही भाई। पतंग देखें है माशाल्लाह, कितने ये जही भाई ने मेरे सामने तैयार की थी। हाँ खूबसूरत पतंग है, आप देखें देखें, फिनिशिंग देखें, हाँ ना देखें, जवाब नहीं पता। कैसा शानदार बनाई गई इन्होंने। और जही भाई बोलते हैं कि लघु को लाने वाले ही मैं था। हाँ लड्डू बनाने वाले जहीर भाई हैं हाँ यार, तो यार ऐसी मेरी बहुत सारी पतंगें हैं, बहुत सारे बॉक्स में लगी हुई हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह लेकिन जो खास खास है मैंने आपको दिखाई है अभी। माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा ये जैसे भाई एक और गिफ्ट मैं अच्छा आपके लिए लेकर आया था, अच्छा वाह भैया, ये जो है असला अपना सोहेल भाई एक और गिफ्ट लाया मेरे लिए। जी आप और एक तशरीफ क्या लाए, बात है सोहेल भाई, देखो यार वाह भाई वाह, देखो यार यार सोहेल भाई ये कौन सी वाली डोर है यार, ये आप खोल के देखें ये देखें। वाली, अच्छा वाह भाई वाह, देखो यार ओए होए 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 यार, क्या चीज आ गई यार। ये देखो दोस्तों सोहेल भाई की डोर,
इसको 25 चैन कहते हैं। ये 25 चैन के नाम से है, मैंगो है ये। होई होई होई, ये मैंने इस्लामाबाद भी भेजी है, अच्छा भी भेजी है, दो तीन जगह पर मैंने भेजी है बना के। अच्छा नहीं यार सोहेल भाई, ये चीज़ का ना मैं देख रहा हूँ ना जिस तरीके से ये बनी हुई है, ये चीज़ का तो आपके पास ऑर्डर आएगा ही आएगा इंशाल्लाह। आपके पास डोर मिल जाएगी इसकी? बिल्कुल मेरे पास है। ये देखो अगर देखो यार, ये बल देखो यार, बिल्कुल यार। अब अगर आप और माजे खोलेंगे ना तो आप ऐसे फेंकेंगे तो ऐसे ऐसे सीधे हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए तार की तरह। वाकई यार बेहतरीन खड़ा माजे है जी। ये देखो तो दोस्तों मैंगो आ गई दोस्तों मेरे पास। अब मेरे ख्याल से अब तो मुश्किल है, मैं से तैमूर भाई भी जीते दोस्तों। बस यार बहुत खुशी हो रही है इसको देख के। लेकिन डोर आप कोई सी भी इस्तेमाल करें, अच्छी से हाँ। अच्छी ले लें, लेकिन जब तक पेज अच्छा नहीं होगा नहीं होगा। सही बात है यार, ये बात तो है। देखें आप देखिए निकले जा रहे हैं, निकले जा रहे हैं। हाँ दोस्तों यार मैं उसको सीधा करने की कोशिश कर रहा, नहीं हो रहा है, खुले जा रहा है। आप सीधा कर रहे हैं, वाह यार। तो दोस्तों यार बहुत खुशी हो रही है कि यार ये वो चीज़ दे रही है कि आसानी से नहीं मिलती यार दोस्तों। बहुत हाँ बिल्कुल यार, और ये हर कोई जो है वो अफोर्ड भी नहीं कर पाता ना। तो यार अच्छा ये बताइए सुहेल भाई, अगर ये कोई बनाना चाहे आपसे तो कितने तक की बना देंगे ये? अगर ये मैंने अभी सेल की है, मैंने बताया ना आपको, इस्लामाबाद भेजी है, लाहौर भेजी है, अच्छा। और भी कुछ जगह का मार्केट पास अभी बन रहा है। अच्छा इसकी कीमत जो है ना वो 4000 रुपए है। अच्छा 2000 गज की कीमत 4000 रुपए, 2000 गज की कीमत 4000 रुपए, वाकई 4000 गज अगर अगर कोई बनवाएंगे ना हमसे तो उसकी कीमत है 8000 रुपए। 8000 रुपए गारंटी वाली चीज है। अच्छा जी, जो एक दफा लेगा इंशाल्लाह वो खुद कहेगा कि कोई चीज बना के दी। बिल्कुल, और जो ट्रिपल फोर जो होती है वो 2000 रुपए होती है, वो उसमें 2 से 2.5 हजार रुपए की, 2 से 2.5 हजार वाली भी है, 2.5 हजार वाली है, वो 2000 गज होती है, 2000 गज यानी कि उससे डबल रेट है इसके, इसके डबल रेट है। हाँ क्योंकि ये महंगा दागा है, बिल्कुल महंगा दागा है। तो दोस्तों यार बहुत कीमती चीज मेरे पास आ गई है, और बहुत अच्छे अच्छे जो कारीगर जो होते हैं, जो काइट फाइटर होते हैं ना, बहुत अच्छे अच्छे इसके शौकीन होते हैं, लेकिन इनको मिल नहीं सकती और बहुत ढूंढते रहते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, बहुत पैसा लगा देते हैं, बहुत ऑनलाइन में पैसे देते थे, लेकिन यार उनको मिलती नहीं, उनके हाथ नहीं लगती, लेकिन यार देखो मुझे सोहेल भाई ने दे दी, ये आपकी मोहब्बत, बड़ी मेहरबानी सोहेल भाई। लेकिन यार मैं अब ये भी बताऊंगा कि सोहेल भाई से, अगर सोहेल भाई यार कोई ऑनलाइन मंगाना चाहे तो दे दोगे ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो मैंने काफी लोगों को दिया है। हाँ मैं इस पर फोन नंबर है, लोग रहता है। जी बिल्कुल यार सोहेल भाई, इस ये पर्चा निकल जाएगा, निकालेगा। तो दोस्तों भाई ये देखें, ये वाला है ना, ये वाला जो लेबल है ना, ये सोहेल भाई का लेबल है, और इसमें देखिए नंबर भी लिखा हुआ है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप देख लें, और आप है ना सोहेल भाई से ना रब्ता करके ना ये मंगा सकते हैं, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं और खुद जाके भी ले सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो ये है यार सोहेल भाई, बहुत खुशी हुई यार आपने, यार बस मेरा दिल खुश कर दिया यार सोहेल भाई, एक इतना दिल खुश कर दिया क्या। एक तो आप हमारे घर पर भी आए और मुझे मांझा भी गिफ्ट किया है, अच्छा मेरे लिए और खुशी की क्या बात होगी यार। नहीं देखिए ख्याल से ख्याल, मेरा दिल जहाँ मैंने आपके लिए बना लिया। बिल्कुल बिल्कुल, तो दोस्तों यार मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यार सोहेल भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं आज, और हमारे घर पर बैठे हुए हैं, और उन्होंने ऐसी चीज़ गिफ्ट कर दी है जो लोग तरसते जिस चीज़ के लिए। बस यार ये सोहेल भाई आपने यार कलर बहुत अच्छा बनाया यार, ये मान, ये एक से बढ़कर एक कलर है, ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब ये भी एक कलर है, इसके अलावा भी बहुत सारे कलर है। अच्छा रेड है, ब्लू है, इंग्लिश कलर बनाया, येलो है, बहुत कलर है मेरे पास। बिल्कुल यार, तो एक से बढ़कर एक चीज है, बस जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, मीठा होता है, सही बात है यार। तो बस ये है, बस मेहनत से सब कुछ है, जो भी इंसान कोई भी काम कर रहा है जब तक उसमें मेहनत नहीं होगी, लगन नहीं होगी, बिल्कुल वो इंसान कामयाब नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सोहेल भाई, तो मेहनत इंसान करे तो अल्लाह ताला कामयाब करता है। यार मुझे बहुत खुशी हो रही है सोहेल भाई, एक तो आप हमारे घर पर हैं और एक ये मांझे की चरखी भी मुझे गिफ्ट किया आपने। नहीं नहीं कोई मसला नहीं, छोटी सी। अरे तो नासिर भाई टाइम ज्यादा हो गया है। अच्छा और घर वाले भी कह रहे होंगे कितने हो गए सर, क्या टाइम हो गया? एक बज गया था, एक बज गया, रात के एक बज गया दोस्तों, और सोहेल भाई हमारे साथ है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। नहीं नहीं कोई मसला नहीं, तो नासिर भाई ज्यादा दीजिए, चले सही है, चले चले सही है, कभी यार मेरे साथ भी, हमारी टीम के साथ भी कभी काइट फाइट करने, सोहेल भाई मजा आएगा, ठीक है ना? इंशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। चले यार बड़ी मेहरबानी, बच्चों आ जाओ, बच्चों चले आ जाओ, बच्चों आ इधर आओ, आ जाओ बच्चों। क्या नाम है? अब्दुल्ला, अब्दुल्ला नाम है ना, इब्राहिम, ठीक है यार सोहेल भाई, तो यार बस इंशाल्लाह आप जरूर आइएगा और आते रहिएगा मेरे पास, इंशाल्लाह ठीक है ना।
तो दोस्तों बस यार, अब हम लोग ना अपनी वीडियो खत्म करते हैं। दोस्तों सोहेल भाई को भी बहुत देर हो रही है, और मैं सोहेल भाई को आगे तक छोड़ने भी जाऊंगा क्योंकि यार ये हमारे मेहमान है। तो दोस्तों बस यार, आप मेरी वीडियो देखते रहना, इसे लाइक और शेयर करना, इसे सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो पे मुलाकात करेंगे, ऐसी वीडियो बनाता रहूंगा, और इंशाल्लाह ताला सोहेल भाई पे एक फोकस वीडियो बनाऊंगा, आपको इनके पेज भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला। तो दोस्तों मेरी वीडियो देखते रहना, इसे लाइक और शेयर करना, इसे सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।